नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली के ITO तथा मुकरबा चौक पर वायु संवर्धन तथा वायु शुद्धिकरण यानी वायु नामक नवीन उपकरण का उद्घाटन किया। पुणे के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र में वैज्ञानिकों ने विश्व की विशालतम कोलैबोरेटिव रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का खाका तैयार किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने घुटनों के जोड़ों के लिए बहुलक से बना कम लागत वाला अनोखा उपकरण विकसित किया। सर्जरी से जिन मरीजों के शरीर से घुटने अलग हुए उनके लिए कारगर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित पूर्व प्रस्तुति समारोह में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में समर्पित करने की घोषणा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अथवा NIRI द्वारा विकसित वायु संवर्धन तथा वायु शुद्धिकरण उपकरण यानी वायु के उपयोग को आरंभ कर दिया है। इस उपकरण को ट्रैफिक की अधिकता वाले चौराहों में वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। नई दिल्ली के ITO तथा मुकरबा चौराहे पर इस उपकरण का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। पेश है पूरे भारतवर्ष के शहरों में बढ़ते प्रदूषण में कमी लाने वाले इस नवीनतम उपाय पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारतीय शहरों में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण वायु की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण रहा है। वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी VOC और बिना जली हाइड्रोकार्बन जैसी विषैली गैसें होती हैं। ऐसी विषैली गैसें शहरों के व्यस्त चौराहों पर अत्यधिक मात्रा में हवा में मिल जाती हैं। देश में भारी यातायात वाले स्थानों पर प्रदूषण के उच्च स्तर को कम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा शहर के व्यस्त चौराहों पर वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक यंत्र विकसित किया गया है, जिसे वायु संवर्धन एवं शुद्धिकरण यंत्र यानी वायु नाम दिया गया है। 25 सितंबर को नई दिल्ली के ITO तथा मुकरबा चौराहे पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले इस उपकरण वायु का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। आज एक यहाँ पर उपकरण को इंस्टॉल किया गया है। ये हमारी देश की जो प्रतिष्ठित संस्था CSIR है और उसी की जो सबसे प्रतिष्ठित वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लेबोरेटरीज जो NIRI नागपुर है, नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST जिसके सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, उनकी ऐसी रिसर्चेस को प्रमोट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें हम सब देश में विभिन्न संस्थाओं को भी सहयोग करते हैं। वायु को इस तरह विकसित और एकीकृत किया गया है कि इसका संचालन सौर ऊर्जा से भी किया जा सके। ये उपकरण हवा से वायु प्रदूषण को कम करने और प्रदूषक हटाने के दो सिद्धांतों पर काम करता है। इस यंत्र में सूक्ष्म कणों और सक्रिय कृत कार्बन यानी चारकोल के पृथक्करण के लिए एक पंखा और एक फिल्टर लगा होता है। इसके अलावा इसमें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को हटाने के लिए पराबैंगनी लैंप लगा होता है। इस विशेष डिजाइन यंत्र में वायु का ऑक्सीकरण होता है, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं।
इस यंत्र के निकास स्थान पर वायु में कुछ अपशिष्ट वेग होता है। वायु के इस वेग से वातावरण में विक्षोभ का सृजन होता है, जिसकी मदद से प्रकीर्णन की प्रक्रिया से प्रदूषक सांद्रण को कम किया जा सकता है। Initially we started looking at this whole thing as a device which can be used in malls and some other locations where we have parking lots. In parking lots you must have seen it's a very enclosed spaces. So we actually started designing for that and then we realized that we need to augment this for a traffic junction. So the idea was how do we deal with this traffic junction which is the problem spots. We call it hot spots in that sense. स्वदेशी उपकरण वायु में कम गति वाला हवा का जनरेटर और उचित आकार के फिल्टर लगे होते हैं ताकि यह लंबे समय तक प्रभावकारी रूप से कार्य कर सके। यह यंत्र प्रतिदिन 10 घंटे चलने पर आधा यूनिट की बिजली की खपत करता है। इस यंत्र की लागत 60,000 रुपए प्रति उपकरण है। इस यंत्र की मदद से उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में 30 मीटर की परिधि में 40-60% वायु प्रदूषण को घटाने का लक्ष्य रखा गया है। वायु देश में वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए सरल और किफायती तरीका साबित हो सकता है। अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रेडियो टेलीस्कोप का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे टेलीस्कोप का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञानी सूर्य, आकाशगंगाओं तथा तारों से विकृत रेडियो तरंगों की पहचान के लिए करते हैं। 10 देशों के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर विश्व का विशालतम स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी SKA टेलीस्कोप का निर्माण आरंभ किया है। सफलतापूर्वक निर्मित होकर क्रियाशील होने पर यह टेलीस्कोप वर्तमान समय में उपलब्ध तकनीक की तुलना में 100 गुना अधिक तेजी से अंतरिक्ष की गतिविधियां दर्ज करने में सक्षम होगा। इसके लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र में वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप मैनेजर विकसित किया है, जो पुणे से संचालित होने वाले SKA टेलीस्कोप का नियंत्रण, निगरानी तथा कार्यान्वयन करेगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की दिलचस्प रिपोर्ट। हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसमें हजारों मंदाकिनियों, ग्रहों और तारों के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। खगोल विज्ञानी और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की दूरबीनों और उपग्रहों की सहायता से अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं की खोज करने में लगे हैं। रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसी ही तकनीक है जो ग्रहों, धूमकेतुओं, सौर हवाओं, गैस एवं धूल के बादलों, घूमते हुए तारों और मंदाकिनियों का बेहतर दृश्य दिखाती हैं। इन खगोलीय पिंडों से रेडियो तरंगे निकलती हैं, जो पिंडों से तरंगों के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा है। वैज्ञानिक उनके संगठन, संरचना और अंतरिक्ष पिंडों की गति को जानने के लिए इन स्रोतों से निकलने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप का एक लाभ यह भी है कि अंतरिक्ष के अज्ञात क्षेत्रों को उद्घाटित करने के लिए सूरज की रोशनी बादलों, ब्रह्मांडीय धूल एवं गुब्बारों को भेज सकती है। अब विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ता साथ मिलकर एक स्क्वायर किलोमीटर एरे या SKA टेलीस्कोप बना रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप होगी। इस सहयोगात्मक परियोजना में शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड और ब्रिटेन। SKA में हजारों डिश और एंटीना होंगे, जो खगोल विज्ञानियों को आकाश की गहनता से निगरानी करने और मौजूदा तंत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे आकाश का सर्वेक्षण करने में सक्षम बनाएंगे। इसके लिए पुणे में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र के वैज्ञानिकों ने SKA परियोजना के टेलीस्कोप मैनेजर का सफल डिजाइन तैयार किया है। पहले संस्थान की टीम ने पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप या GMRT बनाया था। यह बाहरी अंतरिक्ष को समझने के लिए निम्न रेडियो आवृत्तियों पर काम करने वाले विशालतम रेडियो टेलीस्कोप में से एक है। इट इज अ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ 10 डिफरेंट कंट्रीज ऑल अराउंड द ग्लोब वर्किंग टुगेदर टू डिजाइन एंड बिल्ड व्हाट विल बी अ ट्रूली एक्सेप्शनल नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एस्ट्रोनॉमी फैसिलिटी द स्क्वायर किलोमीटर एरे। It will be at least 30 times more powerful than our own giant meter wave radio telescope. SKA टेलीस्कोप को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह एक वर्ग किलोमीटर में फैली है, जो जमीन के लगभग 100 हेक्टेयर के बराबर है। SKA टेलीस्कोप में अनेक निम्न आवृत्तियों के एंटीना और उपग्रह डिश तकनीकों का प्रयोग किया जाता है,
जो हमारे घरों की छत पर लगे टीवी डिश के समान होते हैं। यह डिश ऊपर के एंटीना की तरफ रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए धातु की एक बड़ी डिश या तार की जाली की बनी होती है। हल्के संकेतों को पकड़ने के लिए एंटीना के संकेतों को पावर सर्किट पर भेजा जाता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से इन संकेतों को ब्रह्मांड की प्रतिछाया बनाने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। डिश का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए क्योंकि यह कमजोर ब्रह्मांडीय रेडियो संकेतों का भी प्रभावी रूप से पता लगाने के लिए उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी फैली हुई डिश रेडियो तरंगों के उच्च विभेदन वाले चित्र प्राप्त करने में सहायक होती है। एसके अनेक खंडों जैसे डिश, केंद्रीय संकेत प्रोसेसर, डेटा संकेत प्रोसेसर तंत्र आदि की बनी होती है। प्रत्येक घटक को टेलीस्कोप के प्रचलन के लिए एक विशेष काम को करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। NCRA के प्रोफेसर गुप्ता द्वारा निर्देशित टीम ने टेलीस्कोप मैनेजर बनाया है, जो SKA का प्रमुख भाग है और टेलीस्कोप के समूचे प्रचलनों को मॉनिटर करने में सहायक होता है। टेलीस्कोप मैनेजर को सूचना संग्रह करने, अवलोकनों को अनुसूचित करने, उनके निष्पादन को नियंत्रित करने, टेलीस्कोप के घटकों की क्रिया को मॉनिटर करने और दोष निर्धारण करने जैसे जटिल कामों के निष्पादन के लिए अभिकल्पित किया गया है। Science goals that have been identified for the square kilometer array, and they cover areas which range from understanding the very early universe all the way to searching for signatures of life in the universe. Telescope दो स्थानों पर लगाया जाएगा, एक उच्च और मध्य आवृत्ति की डिश वाली दक्षिणी अफ्रीका के कारू क्षेत्र में, दूसरी निम्न आवृत्ति एंटीना वाली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मर्चिशन शायर क्षेत्र में लगाई जाएगी। ये दोनों विकिरणों के संसूचन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। विश्व के सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप का विकास खगोलीय अवलोकनों और रहस्यमय ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से जानने के लिए नए रास्ते खोलेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कम लागत तथा कम वजन वाले घुटनों को जोड़ने का कृत्रिम उपकरण विकसित किया है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता, इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरे स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं से महर्षि वात्स्यायन। प्रोस्थेसिस एक कृत्रिम उपकरण है जिसका इस्तेमाल शरीर से अलग किए गए अंग की जगह पर किया जाता है। चोट, बीमारी या जन्मजात कारण से किसी अंग को शरीर से अलग करना पड़ सकता है। अगर ये प्रक्रिया घुटनों के जोड़ों से संबंधित है तो चलने फिरने या अन्य काम करने में परेशानी होती है। प्रोस्थेटिक जोड़ जिन पदार्थों से बनते हैं उनके कारण या अधिक लागत के कारण अब तक कम ही मरीज इसका इस्तेमाल करते थे। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कम लागत तथा कम वजन वाले घुटनों को जोड़ने का एक कृत्रिम उपकरण विकसित किया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में कई लोगों को चलने फिरने में लाचारी का सामना करना पड़ता है। अध्ययन दिखाते हैं कि 1% लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें से लगभग 7% पराफिमोरल यानी ट्रांसफेमोरल एम्प्यूटीज हैं। ट्रांसफेमोरल अंग विच्छेदन को घुटने के ऊपर से अंग विच्छेदन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शल्य प्रक्रिया है जिसे दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त या घातक संक्रमण के कारण रोगग्रस्त होने की वजह से घुटने के जोड़ के ऊपर से टांग के निचले भाग को निकाल देने के लिए किया जाता है। किसी भी स्थिति में अगर शरीर का कोई भाग नहीं होता तब एक कृत्रिम युक्ति का सुझाव दिया जाता है,
जिससे उपयोगकर्ता चलने, खाने और पहनने जैसे दैनिक काम स्वाभाविक रूप से और आराम से करता है। आजकल भारत में ट्रांसफेमोरल एम्प्यूटीज के लिए मिलने वाले कृत्रिम अंग सिंगल एक्सिस लॉकिंग प्रकार के धातु के बने घुटने के जोड़ हैं। ये चलने के समय सीमित सुलभता प्रदान करते हैं और जकड़े हुए घुटने के कारण अधिक प्रयास की जरूरत होती है। सामान्य कृत्रिम अंग से संबंधित सीमित गतिशीलता और आधुनिक कृत्रिम अंगों की ऊंची कीमत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के प्रोफेसर नरेश भटनागर और उनकी शोध टीम को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप वे अब निचली टांग के एम्प्यूटीज के लिए एक सस्ता, हल्का और प्रभावी कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। जिनका की एक पांव नहीं होता या दोनों पांव नहीं होता, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको चलने के लिए ये एक नी जॉइंट बनाया गया है जो कि बहुत कम वजन का है। पहले कंप्यूटर में फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन से देखे, उनको टेस्ट किया कि कितना लोड ले सकते हैं, किस तरीके का ज्योमेट्री होनी चाहिए, कितना डायमेंशन होना चाहिए। उसके बेसिस पे फिर एक टेक्निक सोची कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। प्रोफेसर नरेश भटनागर ने लगभग 10 वर्ष पहले दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ कृत्रिम अंगों के लिए विभिन्न प्रकार के डिजाइन विकसित करने पर काम आरंभ किया। इसमें पहली युक्ति थी कि कुछ सीमाओं के साथ आमतौर से प्रयोग किए जाने वाले घुटने के जोड़ की तुलना में सरल गति प्रदान करे, और दूसरा है कीमत, क्योंकि आज बाजार में विभिन्न पदार्थों से बने अनेक कृत्रिम अंग उपलब्ध हैं। हालांकि इन अत्याधुनिक कृत्रिम अंगों की कीमत बहुत ज्यादा है और सभी रोगी उनका भार नहीं उठा सकते। इस भावनात्मक और सामाजिक सोच के साथ प्रोफेसर भटनागर और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की और उनके प्रयासों ने भारत के पहले पॉलीमरिक पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने के जोड़ की सफल डिजाइनिंग और निर्माण किया। यह पॉलीसेंट्रिक घुटने का जोड़ आसानी से मुड़ता है और ट्रांसफीमोरल अंग विच्छेदन वाला व्यक्ति चाल में बिना विशेष परिवर्तन के आराम से चलता है। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने के जोड़ का डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में नैदानिक परीक्षण किया गया है और परिणाम ने दिखाया कि पारंपरिक कृत्रिम अंग की अपेक्षा नए कृत्रिम अंग का प्रयोग करने वाला रोगी काफी प्राकृतिक ढंग से चला। प्रोफेसर भटनागर और उनकी टीम द्वारा किया गया पॉलीमरिक पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने के जोड़ का विलक्षण डिजाइन और निर्माण वास्तव में संवेदनशील सामाजिक संबद्धता के साथ एक महत्वपूर्ण काम है। उत्पाद तैयार है और मूल्य घटाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, जिससे यह निचली टांग के विच्छेदन से ग्रस्त रोगियों को सरलता से उपलब्ध कराया जा सके। लखनऊ में आयोजित होने वाले चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2018 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नई दिल्ली में इस आयोजन के पूर्व प्रस्तुति समारोह में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि IISF देश भर के छात्रों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, कलाकारों तथा आम लोगों को एक साथ लाने वाला सबसे बड़ा मंच है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के प्रसार में मददगार है। इस वर्ष इस समारोह का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगा। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण शोध तथा नई प्रौद्योगिकी विकसित करने वाले देशों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और संचार जैसे सभी क्षेत्रों में भारत ने आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण विकास किया है। अपनी सफलताओं का उत्सव मनाने तथा युवाओं में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करने के लिए हर वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का आयोजन किया जाता है, ताकि विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा हो तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में विज्ञान की भूमिका के बारे में जानकारी का प्रसार हो। इस महोत्सव में छात्र, शोधकर्ता, कलाकार तथा आम जनता एक मंच पर एकत्रित होते हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं। IISF 2018 का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा विज्ञान भारती अथवा विभा द्वारा संयुक्त रूप से लखनऊ में 5 से 8 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस वर्ष विज्ञान मेले की विषय वस्तु है परिवर्तन के लिए विज्ञान।
महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद करेंगे। कार्यक्रम के पूर्व प्रस्तुत समारोह का आयोजन 24 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने लगभग 150 वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के समूह को संबोधित किया। This festival is a great example of how to bring science out from the labs and connect to people, connect to the larger concerns of science, connect with the society at large. It is not something we can get in classrooms. It is not something we can get simply by talking to a few scientists. So this is really indeed the Mahakumbh of science. देश के विशालतम विज्ञान मेले में इस वर्ष 23 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देश और दुनिया के लगभग 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस मेले के कार्यक्रमों में वैश्विक भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारों की बैठक, स्वच्छ वायु अभियान, युवा वैज्ञानिकों की संगोष्ठी, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षक कांग्रेस, आविष्कार के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और स्टूडेंट साइंस विलेज, रीचिंग द अनरीच आदि शामिल है। IISF 2018 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग के क्षेत्रों में भारतीय अनुसंधानकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान को भी दर्शाया जाएगा। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में वैज्ञानिक समुदाय के निर्माण में महिला वैज्ञानिकों तथा उद्यमियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इस बार हम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 2 प्राइजेस को एम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक में जो बच्चे हैं वो DNA को सेपरेट करने के अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास करेंगे, और एक बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के मसले पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हम रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सिर्फ एक झलक है। देश के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव में ऐसे कई कार्यक्रम, वार्ताएं तथा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और विज्ञान की दुनिया की फिल्में भी प्रसारित की जाएंगी। लिहाजा विज्ञान के उन तमाम पहलुओं की जानकारी तथा समझ विकसित करने के लिए इस महोत्सव में शामिल होना आवश्यक है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूँ श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने 21 सितंबर को अपने मिनर्वा 2-1 यानी माइक्रो नैनो एक्सपेरिमेंटल रोबोट व्हीकल फॉर एस्टेरॉयड को एक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतारने में सफलता पाई है। ये रोबोट रोवर क्षुद्र ग्रह पर अन्वेषण करने के लिए दुनिया का पहला मानव निर्मित उपकरण है। रोवर 1A तथा रोवर 1B के साथ मिनर्वा 2-1 को हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया गया था। दोनों रोवर क्षुद्र ग्रह की सतह पर घूम घूम कर अध्ययन करने के लिए तस्वीरें खींचेंगे तथा आंकड़े एकत्र करेंगे। हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन तथा कंजर्वेशन इंडिया नामक दो संस्थाओं ने हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से नागरिक आधारित विज्ञान की पहल की है।
इस कार्यक्रम से इन पक्षियों की भारत में उपस्थिति तथा उनके आवास के विषय में आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। इस अनोखी शुरुआत से इस पक्षी की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में मदद मिलेगी तथा इसकी प्रजाति पर संभावित खतरे के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए www.hornbills.in वेबसाइट को देखें। भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पुनर्निवेश भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भागीदारी नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक तथा प्रदर्शनी के लिए 25 सितंबर को पूर्व प्रस्तुति समारोह आयोजित किया। ये प्रदर्शनी 3 से 5 अक्टूबर 2018 को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में होने वाली है। दूसरी वैश्विक पुनर्निवेश बैठक पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बैठक तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से जुड़े देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। पुनर्निवेश एक वैश्विक मंच है जिसमें नवीकरणीय वस्तुओं का विकास तथा विस्तार किया जाता है। ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा बाजार तथा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन उपायों से ऊर्जा की राष्ट्रीय स्तर पर मांग आपूर्ति के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। वर्तमान में भारत दुनिया का सर्वाधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादक देश है, जहां सकारात्मक नीतियों की वजह से मांग तथा आपूर्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने 26 सितंबर को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर CSIR द्वारा जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग अनुसंधान, व्यापार विकास तथा प्रौद्योगिकी क्रय विक्रय समेत भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा भी उपस्थित थे। इस समारोह में वर्ष 2018 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। विज्ञान के इतिहास में सप्ताह हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी तथा मौसम विज्ञानी पिशारोथ रामा पिशारोथी को, जिनका जन्म 10 फरवरी 1909 को केरल में हुआ था। उनके अध्ययन का मुख्य क्षेत्र मानसून से जुड़ा मौसम विज्ञान तथा जलवायु था। उन्होंने भारत में रिमोट सेंसिंग तकनीक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने वर्ष 1972 से 1975 तक अहमदाबाद के इसरो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में रिमोट सेंसिंग तथा उपग्रह मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक पद को सुशोभित किया। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भारतीय रिमोट सेंसिंग का जनक माना जाता है। उन्हें वर्ष 1970 में पद्मश्री, 1988 में रमन सेंटेनरी मेडल तथा 1989 में इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल प्राइज जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 2002 को 93 वर्ष की आयु में पुणे में उनका देहांत हो गया, लेकिन रिमोट सेंसिंग तकनीक के क्षेत्र में उनका अहम योगदान आज भी वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।